हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल नीतू डायनामिक में आपका स्वागत है। आज मैं बंगाली खाना बनाने जा रही हूँ। ये उनका नाम है पोटल पोस्तो, बंगाली में बोलते हैं पोटल पोस्तो। तो ये परवल ली हूँ, परवल को पहले साइड से छील दी हूँ और उसके बाद बीच से ऐसे काट ली हूँ। ठीक है, मोटा परवल होता तो अच्छा होता, पर वो परवल नहीं है तो यही परवल से काम चला रही हूँ। तो ये परवल लिए हैं और उसमें क्या पड़ेगा, ये पोस्ता और थोड़ा सा सरसों और ये लहसुन और हरी मिर्च। अब इसको थोड़े देर के लिए पानी में भिगो के रख दें ताकि ये फूल जाए, ये पोस्ता दाना जो है फूल जाए तो पीसने में आसानी होगी, तो इसीलिए इसको भिगो के रख दूंगी। कढ़ाई मेरी ऑन है और इसमें दो चम्मच, ये चम्मच का दो चम्मच तेल ऑयल डाली हूँ, सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल ये डाली हूँ। अब इसमें पचफोरन ऐड करूँगी, पचफोरन दूंगी। पचफोरन डाल दी हूँ, दो सूखी मिर्चा डाल दूंगी और ये परवल को डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। ये फ्राई करने के लिए डाल दी हूँ। अब इसमें नमक और हल्दी ऐड करेंगे, ये हल्दी स्वाद अनुसार नमक। अब इसको मैं ढककर भून लूँगी, धीमे आंच पर ढककर भून लूँगी। तब तक मैं ये मसाले को पीस लेती हूँ। देखिए ये भून गया है, देखिए ये भून गया है और थोड़ा भूनना है। ये देखिए परवल भून चुका है, और ये मसाला भी तैयार है। इसमें देखिए एक चुटकी हल्दी और दिए हैं ताकि ये कलर हो आ सके, इसलिए इसमें अब इसको डाल देते हैं। थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे नहीं, तुरंत पानी ऐड कर देंगे, ना तो मसाला जल जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा। अब इसको पकने देती हूँ। देखिए गाइस ये हो चुका है, और देखिए मैंने नमक नहीं ऐड किया था क्योंकि नमक परवल में ही हमने ऐड किया था, इसलिए दोबारा नहीं दिए। और अब इसमें कच्चा अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा कच्चा सरसों का तेल डालूंगी टेस्ट आने के लिए, तो थोड़ा सा तेल ऐड कर दूँगी और ये हरी धनिया लास्ट में ऐड कर रही हूँ। ये मेरा बन गया है पोटल पोस्ता, पोटल पोस्तो बंगाली में पोटल पोस्तो कहते हैं। अब इसको चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बनाइए खाइए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।